हेलो हेलो हेलो, सॉरी भाई। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि वो ना स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती थी उसके ऊपर जो है ना। तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो ये वाला कर रहे हैं हम, जल्दी आ जाओ बस आप लोग एक बार। सॉरी थोड़ा सा उसके लिए, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बस वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, अरे क्या चल रहा है नेट? हेलो यार, ऐसे तो ना करो, जल्दी आओ भाई। स्वाति, हेलो स्वाति, हेलो, जल्दी जल्दी आ जाओ बस, फिर स्टार्ट करते हैं हम ब्यूटी ब्लिस विद एजे। हेलो, हाउ आर यू? बस मुझे एक बार ये बता दीजिए, आज क्या आप लोगों ने, तनिषा, स्वाति, मोनिका, क्या आप लोगों ने आज मॉक टेस्ट दिया था? जल्दी बता दो बस, मॉक टेस्ट दिया था, ये और नो? हेलो सर, हेलो कीर्ति सर, आज क्वेश्चन है? नहीं सर जी, सर आज तो क्वेश्चन, हाँ आज क्वेश्चन है। आज हम वो करेंगे जिन क्वेश्चन से हम अटकेगे भी नहीं ज्यादा, और हमें जो हमने अभी तक किया है वो रिपीट होके हमें याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है? मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ हाई फाई, जिससे हम ही खुद गए, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। इनको करने के बाद आप लोगों को मजा आ जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाएगा कि यार बढ़िया मेहनत कर रखी है हमने, थोड़ी बहुत तो जो करा है वो ठीक करा है। तो ठीक है जी, हेलो हेलो, जल्दी आओ भाई, कितने आ चुके हैं? 14। चलिए ठीक है भाई, देखो स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएंगे तब तक। गुड इवनिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। ये क्वेश्चन आया था 2013-14 में, जो एमसीडी पीआरटी का एग्जाम हुआ था ना डीएसएसबी का, उसमें। यार ऐसे तो नहीं होता, देखो ये नेट चल क्यों नहीं रहा, इस पे किससे कनेक्ट है? ओ जल्दी आंसर करते चले जाओ। ओके, बी 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 बी, फ्री एंड कंपलसरी। अच्छा देखो मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। भारतीय संविधान नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 45 प्रदान करता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अल्पसंख्यकों का अधिकार। नहीं भाई, अल्पसंख्यकों का अधिकार कहाँ आता है? जो शायद 29 में आता है, 26 में आता है, मतलब उस रेंज में आता है, 25 और उसके बाद वाली में, जहां अल्पसंख्यक और इन सब चीजों के स्पेशल स्कूल्स करते हैं कि भी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई भी अपना स्कूल स्थापित कर सकते हैं, उनको ये वो सारे अधिकार हो गए, उनके बारे में बात अलग होती है। लेकिन 45 में कुछ और होता है, फिर क्या है? प्राथमिक शिक्षा, या फिर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, या फिर एजुकेशन फॉर ना वीकर सेक्शन के लिए भी नहीं, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ना भी ना, एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यही हुआ था ना हमारा आप लोगों ने भी? ठीक है जी, बी 29 एंड 30। ठीक है भाई, चलिए अब आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, इन 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ। एक सेकेंड, मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा इस पर, मतलब मैं रुको, अब चलेगा, इससे ही कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर्स एजुकेशन। एडिक्वेट एमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, ट्रेवल अलाउवेंस एंड फैमिली प्रोविजन फॉर टीचर्स, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन फॉर टीचर्स, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट फैसिलिटीज। देखो क्या हुआ था, याद मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाते हुए एक बात कही थी कि भी टीचर्स एजुकेशन को, नहीं, आई थिंक जो ट्रेवल, एक बात कही थी मैंने, याद रखो मेरी बात, मैंने एक चीज कही थी आप लोगों को कि जो पॉलिसी दी गई है ना 1968 वाली, वो क्या मानती है कि नहीं, क्लियर होनी चाहिए भी। अच्छा ऐसा क्या? अरे ऐसे तो लो भाई, हम गरीब लोग हटा देते हैं अपना, वो तो क्या ही होगा, अभी क्लियर होगा, ठीक है ना? देखो मैंने आप लोगों को ना एक कहा था, वट शुड बी, देखो इसका आंसर नहीं आएगा, एडिक्वेट एमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स। मैंने एक बात कहा था आप लोगों को, तनिषा
सुनो मेरी बात, एक बात कहा था मैंने आप लोगों को कि भी जो 1968 की जो पॉलिसी थी ना वो क्या मानती थी कि टीचर एजुकेशन की होगी। पीके कुछ कुछ भाई अभी क्लियर होगी, ध्यान रखो। देखो मैंने क्या कहा था कि जो 1968 की जो पॉलिसी है वो टीचर्स एजुकेशन को और क्या ये जो वो इन सर्विस जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह इस चीजें होती हैं उनको क्या मानते हैं, कैटलिस्ट होते हैं वो, ठीक है ना। वो क्या होती है एक तरह से कैटलिस्ट के रूप में मानेंगे कि हाँ वो टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है, ये बात कही थी उन्होंने। क्वालिटी बढ़ा लो हो जाएगी, अभी आई थिंक ठीक होगा, क्लियर होगा यार अब तो। चलिए आ गया उस थर्ड क्वेश्चन पे, आ जाओ जल्दी से भाग के। थर्ड क्वेश्चन, अभी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी भाई, 2013-14 में, सॉरी 2000 ये नहीं आया था लेकिन एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, बाय डिफॉल्ट वैसे ही बता दो आप लोग, ये तो याद रख लिया भाई। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी और उसके अलावा जो ये इग्नू वगैरह की स्थापना कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेगा वो ये भी नहीं पूछा किस पॉलिसी में, डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि एनसीईआरटी की स्थापना कैसे हुई थी, जैसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये अभी तक हमने किया तो नहीं है लेकिन वैसे आप लोगों के लिए बता देता हूँ, 1961 में हुई थी शायद, ठीक है नियर थर्ड, ठीक है 1961 में, ये याद रख लेना बस आप लोग। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फैक्ट वाला क्वेश्चन है ना तो सीधा पूछेगा, इसमें कोई ज्यादा बटन डिफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हमने पढ़ा भी है, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में आंसर करो। जैसे ए टू का, ए टू का सेकंड का आंसर होगा भाई, सेकंड का आंसर ए आएगा जो ये था ना 1968, सेकंड को मैं आपके कमेंट ऑफ कर देता हूँ पहले। जो ये है 1968 की जो पॉलिसी है वो टीचर एजुकेशन जो अडॉप्ट करी गई थी उसने किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया था, उसने एजुकेट इमोल्यूमेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स, नहीं समझे, शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रीलिप दिया क्या होता है, ये प्रीलिप दिया क्या होता है भाई, एम शैक्षणिक स्वतंत्रता, बस इतना समझ लो। चलिए ए आएगा भाई इसका आंसर, सेकंड वाले का। थर्ड का क्या आएगा, थर्ड का है कहाँ गया थर्ड, हाँ 1961, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। जहां भी आप अपने नोट्स वोट्स बना रहे हो वहां बाय डिफॉल्ट करके कहीं पर मतलब वैसे स्टार बना के लिख लेना कि एनसीईआरटी 1961, ठीक है यस और नो, हाँ जी। अब आगे सुनिए, अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013-14 में क्वेश्चन आया था। सर मेरा 93 नम है, क्या मैं केवीएस दे सकती हूँ, मतलब समझा नहीं भाई मैं। स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू, नवोदय स्कूल की जो स्थापना हुई थी, नवोदय विद्यालय एनवीएस की, वो किस लिए हुई थी, हमने पढ़ा था। अब आप लोगों से दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, एक तो आप ये बताओ किस पॉलिसी में नव एनवीएस की स्थापना हुई थी, दूसरा किस ईयर में, और तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर। इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। देखो बहुत हम कोई स्टैंडर्ड का काम करते हैं ना वो कभी भी नंबर में इंक्रीज करने के लिए नहीं करते, वहां हमेशा क्वालिटी की बात होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, ना भाई चेक वेस्टेज ऑफ, चेक करने के लिए थोड़ी हुआ था वो, है ना। प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया, जो हमारे रूरल एरियाज का जो टैलेंट है ना, जो ग्रामीण का जो गाँव का जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं एक आउटस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा सके, उसके लिए हमारा नो एनवीएस की स्थापना हुई थी। और एनवीएस कब हुआ था स्थापना, 1986 की, उसमें बहुत बढ़िया भी। अरे यूपी टेट में आपके 93 नंबर है तो उसका केवीएस से कोई वो नहीं है भाई, आपके सी टेट में, सी टेट क्लियर होना चाहिए इसके लिए तो, केवी के लिए तो, ठीक है ना। चलिए अब आगे सुनिए, अभी फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं हुआ है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट अपने उससे ही आंसर कर सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टू ओपन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। आप हिंदी और आई थिंक स्क्रीन अभी क्लियर होगी, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, जल्दी बताओ। रुको इसको थोड़ा वो करता हूँ, अरे हो जा भाई। फिफ्थ का सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जब नेशनल काउंसिल होगी रिसर्च वगैरह करने की जो चीजें होगी, ये सब चीजें किस लिए बनाई जाती हैं, चाहे वो रिसर्च हो चाहे काउंसिल हो, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है वो हमेशा जो तो अभी के लिए जो स्टैंडर्ड है ना उसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक
ठीक है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपको सरोवा पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, इसमें से करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ये मान के चलना है कोई ऑफिशियल बुक नहीं है ये, मुझे जहाँ से मिले क्वेश्चन मैं वहाँ से करा रहा हूँ। आप लोग अगर किसी और ऑथर से कहोगे ना, मैं वहाँ से करा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मतलब कोई भी लगा लो, बाय डिफॉल्ट यहाँ इन्होंने टाइम तो नहीं दिया है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशनल टू ऑल, एजुकेशन टू ऑल होना चाहिए इसका। टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट या द डिग्री विद एजुकेशन। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। तो आगे होगा, नेट ना, बस क्या ही बताऊं आपको, नेट तो गड़बड़ कर रहा है आज। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। ए ए ए टू प्रोवाइड इक्वल, देखो क्या है कि जब हम शिक्षा नीति लेके आते हैं ना, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए ही होगा। हाँ बिल्कुल, द नॉलेज वर्ल्ड, इन्होंने जो बात कही है ना, एक बार प्लीज अपना नाम बता दीजिए भाई, मैं भूल गया, सॉरी नाम भूल गया, सॉरी। बी, देखो मैं बताता हूं, कई बार हमें क्या लगता है कि अब आप ये चलोगे सर ये गलत कैसे हो गया, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी इसलिए नहीं आई, इसलिए नहीं आई थी कि भी उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सबके लिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन दीपिका बिल्कुल सही बात है, सुनो मेरी बात। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन आपको ये लगेंगे कि जैसे एक गलत नहीं है, लेकिन क्या ए सबसे ठीक है? नहीं है ना। फिर समझो क्या है कि जो एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं ना, वो होल सोल पॉलिसी होती है, वो कंप्लीट सिस्टम को ठीक करने के लिए लेके आई जाती है। ये चीज याद रखना, टू इंप्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। समझा नहीं समझे? टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत संकीर्ण सा एग्जाम्पल हो गया है ना। तो और ऐसे टू डीलिंक डिग्री विद एजुकेशन, ये भी बताऊंगा आपको, जो ये है ना टू डीलिंक डिग्री विद एजुकेशन, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है डीलिंक, और क्या था ये याद रखना, ये किस, ये एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी, 1968 वाली थी, हाँ 1968 वाली, जिसने ये बात कही थी कि डिग्री और जॉब है ना, डिग्री और जॉब इसको डीलिंक किया जाए। कुछ ऐसी जॉब है होती है अपने यहाँ जो हम डिग्री के बेस पे ना दें, उनको बाय डिफॉल्ट दें, मतलब अगर कोई बच्चा एक लेवल पर पहुंच गया है तो उसको दे दे, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया ना, चाहे किसी भी उसमें क्यों, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको इस तरह से उसको वो जॉब मिलनी चाहिए अगर वो एग्जाम क्लियर करता है तो। इस तरह से बात की थी, शायद 1968 थी, 86 थी, मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा। इसका क्वेश्चन आया था मेरे सामने पर मैं भूल गया भाई। सिक्स का बी आंसर है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, मतलब समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, मतलब कंप्लीट शिक्षा प्रणाली को सुधार। अब आ गया हो, अब जो एक क्वेश्चन अभी ये पीआरटी में आया था, डीएसएसयू में 2017 में, याद रखना, सेवंथ, एज पर एनसीएफ 2005, द रोल ऑफ ए टीचर इज दैट ऑफ ए लीडर इवेल्युएटर फैसिलिटेटर। आपने हर जगह एग्जाम्पल देखा होगा, हर जगह देखा होगा। हाँ क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं अभी साथ में, फैसिलिटेटर। देखो क्या है कि क्लास में टीचर, अगर आप देखोगे ना, एक वो कहते हैं ना, उसका एक कुछ हिस्सा टीचर की लाइफ का लीडर के तौर पे भी रहेगा भाई, है ना, नहीं तो बच्चे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक इवेल्युएटर के तौर पे भी रहेगा, उस चीजों को इवेल्युएट भी करेगा, लेकिन जब फैसिलिटेटर होता है ना, वो उसका अल्टीमेट एम होता है, अगर वो इवेल्युएटर है ना, तो ये है क्योंकि उसको बच्चों को फैसिलिटेट करना है, वो लीडर इसलिए है ताकि वो बच्चों की एक तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट कर सके, वो फैसिलिटेटर है, वो एक बड़ा टर्म है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, डी सी आएगा, फैसिलिटेटर। ठीक है ना, लीडर और इवेल्युएटर, ये अगर इंडिविजुअल टर्म देखोगे बहुत अलग, थोड़ा सा इतने पॉजिटिव टर्म नहीं है क्लास में बच्चों के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, सी फैसिलिटेटर। ठीक है जी, कुमार और नेहा यहाँ भी, चलिए भी ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों को, आज 43 आ गए हमारे कलाकार। चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 रिकमेंडेशंस, द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड बी, कि भी छोटे जो हमारे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है उनका कितने प्रतिशत होना, मतलब आप लोगों को लगता चाहिए, 20-20%, 5-10% या 25-40%। ये तो साफ है भाई, 5-10 तो बहुत थोड़े हो गए, 70-80 बहुत ज्यादा हो गए, आपस में बातचीत नहीं चाहिए अभी, देखो है ना, 25-40% सिंपल सा है, ये याद रख लेना है, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर वाला क्वेश्चन है, सीधा बी। ठीक है जी, द मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग नवोदय स्कूल्स इज, फिर से वही क्वेश्चन आएगा, प्रोमोटिंग यूनिवर्सल लिटरेसी, नहीं भाई,
यूनिवर्सल लिटरेसी के लिए थोड़े आए थे वो, प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, हाँ ये बात तो हो सकती है, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट अमंग रूरल यूथ, नहीं अगर ये होता तो इस तरह से तो हर गांव में नवोदय विद्यालय खोल देने चाहिए इनको। तीसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, जहाँ क्वांटिटी बढ़ गई वहाँ फिर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसलिए मेरे ख्याल से बी सबसे बढ़िया है। ठीक है जी, नाइन्थ का बी, नाइन्थ का सी नहीं आएगा, ड्रॉप आउट होने के लिए नहीं दिया था दीक्षा, शिखा, हाँ ठीक है शिखा, सेवंथ का सी क्यों दे रहे हो, अच्छा सेवंथ का सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एट्थ का बी और नाइन्थ का भी बी, ठीक है भी ठीक है ठीक है ठीक है। नवोदय विद्यालय किस लिए अभी, ताकि रूरल जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना उनके टैलेंट को हम बाहर लेके आए। इसके राहुल रावत शैडो रैंक पुशर, चलिए अभी हमारे मित्र आए पबजी के या कुछ, ठीक है अब आगे आ जाओ अभी जल्दी भाग दौड़े करके। टेंथ क्वेश्चन कहाँ गया अभी, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ भी मैं आप लोगों से, अरुण कुमार भाई को प्रणाम, जय श्री राम भाई, राम राम। अब टेंथ क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों से दो तीन चीजें करता हूँ मैं एक्सपेक्ट, एक तो ये बता दो मुझे है ना टेंथ क्वेश्चन में, लो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड हुआ था आया था भाई वो किस लिए आया था, प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड इन रूरल एरियाज, बिल्कुल भी मत कह देना भाई, कोई ए मत दे देना, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट नहीं, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू ऑल स्कूल, बिल्कुल ठीक बात है ना, प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट इन स्कूल। अब मुझे एक और बात बता दो, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये कब आया था, जल्दी बता दीजिए बस, जल्दी बता दो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था। और जिन बच्चों को ध्यान नहीं है ना, कोई गलत बात नहीं, ये मैं इसलिए ही करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1986 में इसके साथ एक और आया था है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ एक और भी तो, कुछ और भी तो खुले थे ना, NVS भी इसी पॉलिसी के साथ खुले थे 1986 के साथ ही। और इसी टाइम पे इन्होंने क्या कहा था, हम जो नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है ना 15 से लेकर 35 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जो बात कर रहे थे, उनकी उस प्रोग्राम को भी हम पुश देंगे। लेकिन वो प्रोग्राम कब आया था, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वो कब आया था, 2 अक्टूबर 1978 को, ये याद रखना वैभव, वेरी गुड, ठीक है चलिए अब आगे आ जाओ जल्दी से, नाइन्थ तक क्लियर है, अब टेंथ आ जाओ, टेंथ कहाँ गया अभी, अच्छा टेंथ कर रहे थे क्या हम, टेंथ ही कर रहे थे सॉरी, चलिए एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, जो एनसीएफ 2005 है वो किस मेन, उसका मेन बेस क्या है, किसके ऊपर बेस है वो, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अभी, पहले मुझे ये बता दीजिए ह्यूमनिज्म का फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कौन कहलाता है ना, फादर ऑफ, एक बार चारों के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, चारों चीजें हैं क्या, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल ठीक बात है भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म क्योंकि हम अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, रचनावाद, लो मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी कर देता हूँ, संरचनावाद, वेरी गुड। अब सुनिए एक मेरी बात, देखो क्या है, ये मैं अपना फाटो इधर ले आते हैं ताकि मुझे भी दिखना चाहिए ना, मैस्लो, ठीक है, ह्यूमनिज्म की जिसने बात की थी ना वो अब्राहम मैस्लो थे, बिहेवियर के बारे में जिसने की थी वो थे जेबी वाटसन, और कॉग्निटिविज्म के बारे में किसने बात की थी, पियाजे, वाइगोत्स्की, इन्होंने। अब मेरी एक चीज याद रखना, जो हमारे मिड डे मील वाला सिस्टम हो रखा है ना, ये भी किससे प्रेरणा लेकर हुआ था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के से प्रेरणा लेकर, याद रखना इसको, एक क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से प्रेरित होकर हमारा मिड डे मील वगैरह इस चीज से स्टार्ट हुई थी, अब्राहम मैस्लो जिसके वो थे प्रेरणादायी, ठीक है जी, हाँ जी ह्यूमनिज्म से, चलिए नेहा वेरी गुड थैंक यू। चलिए एक बार सभी बच्चे जो नए हैं हमारे साथ ही, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को फ्री है वो, कोई फीस नहीं ली जा रही उसके लिए, जल्दी आ जाओ आगे। विच वॉज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एनसीएफ 2005, हमने ये बताना कि इनमें से कौन सा 2005 में जो हमारा एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, उसका कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं था, दिशा निर्देशक नहीं था, मतलब किसका कोर्स कौन एनसीएफ 2005 को एक तरह से मोटिवेट नहीं कर रहा था, कौन उसका रीजन नहीं था, वो बताना है ट्वेल्थ का। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये तो बिल्कुल चाहते थे, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं है ना, कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, ये तो इसका बिल्कुल बेस था कि रोट लर्निंग को हटा देना, इंक्रीज अर्थमेटिक कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट्स।
अरिथमेटिक को ना हम पहले मानते थे, 3 R था ना, रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक, लेकिन अभी हम किसकी तरफ जा रहे थे? कोई अभी बता सकता है कि हम अरिथमेटिक को छोड़कर अब किसकी तरफ जा रहे हैं? अवे फ्रॉम बर्डन, बिल्कुल ठीक बात है, फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम सिस्टम, ये तो है ही, है ना। अभी हम बहुत सारी जब हम देखेंगे ना, तो जो क्या कहते हैं डिजिटल एजुकेशन है ना हमारी, जिस तरह से जो हमारी डिजिटल एजुकेशन है, मतलब डिजिटल एजुकेशन बोले तो जो मतलब ई एजुकेशन टाइप, मतलब कंप्यूटर की हेल्प, टेक्नोलॉजी की हेल्प, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, इनकी तरफ जा रहे हैं अरिथमेटिक से बढ़ के, ऊपर उठ के, ठीक है जी। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। 12th हो गया, 13th क्वेश्चन क्या है? चलिए, हेलो चोक एंड डस्टर। अरे भाई साहब, हमारे क्या कहते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहीं आ चुके हैं, चोक एंड डस्टर। हेलो भाई, चलिए एक बार सभी बच्चे, और 51, चलिए जल्दी से लाइक्स वो कर दो भाई, अब आगे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन द फर्स्ट नेशनल, देखो कुछ क्वेश्चन मैं छुड़वा दूंगा जो मुझे नहीं लगता वो ठीक ठाक से होंगे। पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ, देखो 1968 में किस एजुकेशन सिस्टम, क्या कहते हैं, किस उसके कमेटी के उससे सजेशन के आधार पर 1968 वाली पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो बताओ, जल्दी से बता दो। फ्रोबेल का कोई मतलब ही नहीं है, टैगोर गुरुजी भी पहले जा चुके थे। यशपाल, तो यशपाल कमेटी कब आई थी, कब आई थी ये बता दीजिए एक बार, यशपाल कमेटी कब आई थी ये बता दीजिए बस। हाँ, कोठारी कमीशन, बिल्कुल ठीक बात है, कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 से 66, है ना, क्या मैं ठीक हूँ ये बात? ये कौन सी बुक आपकी, अरे सरोवा पब्लिकेशन की बुक, अभी मेरे पास और भी सारी बुक्स है, जिन जिन के आपको चाहिए ना आप बता दो बस मुझे, आप लोगों की जगह मैं उनको करके आप लोगों को करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी बताओ, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी कब आई थी, जल्दी बता दीजिए, 1992। और यशपाल कमेटी का वो क्या था, मेन आधार, मतलब मेन एक सजेशन क्या थी, एक बात कीर्ति प्लीज लास्ट में पूछना भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है ना, लास्ट में पूछ लेना। भावना, मिड डे मील आई थिंक यशपाल कमेटी ने तो नहीं किया था, 1995, मतलब बाद में आया था वो तो, लेकिन मेन एक वो, हाँ लर्निंग विदाउट बर्डन, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रोफेसर यशपाल कमेटी जो हुई थी उसने, उसका मेन आधार ये था, ठीक है जी, बिना बोझ के शिक्षा, बिल्कुल ठीक बात है, विदाउट बर्डन, ये सिर्फ पीआरटी के लिए, देख लो भाई टीजीटी में भी तो आता होगा ना 20-30 नंबर का ये, है ना, तो आप बेसिक एजुकेशन सिस्टम, तो टीचर अगर बन रहे हो तो कहीं भी आ सकता है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। अब आ गया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट बाई डोलोरेस कमीशन, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं, ये आ गया था मुझे, मैंने देखा ही नहीं इसका आंसर, छोड़ो मुझे नहीं पता क्या ये, क्योंकि हमने कवर भी नहीं किया, और जो हमने क्वेश्चन नहीं कवर किया ना वो मैंने छोड़ ही दिए थे कुछ टाइम के लिए, लर्निंग विद 14 का ए, और तेरी इतना ज्यादा क्या हुआ, आ जा लाइव हूँ पहले कह रहा हूँ, गेट बंद कर जाना, गेट बंद कर जाना, जा भाई सुनो। 15th क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, द नेशनल करिक, एक सेकंड भाई, ये बर्थडे बॉय आ रहा हमारे पास एक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ, हमारे पास हमारे एक मित्र आ रहे हैं, बर्थडे बॉय है या जिनका बर्थडे है, ठीक है दिखोगे नहीं आप, इडली डोसा थोड़ी देर में आ रहा हूँ भाई, इडली डोसा छोड़ दे, देखो आप लोगों के लिए बने, ए भाई सारे, चलिए हमारे एक टीचर के बेटे हैं भाई एक, है ना, अरे थैंक यू सो मच भाई आप लोगों की विशेज के लिए, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये। चलिए अब आगे आओ भाई, आंसर सर, आंसर बी बता दीजिए सर, आंसर बी बता दीजिए लास्ट में। अच्छा भावना, बता तो रहा हूँ भावना, मैं क्या, हाँ ठीक है एक सेकेंड, हाँ रुको आप लोगों के कमेंट में देख लेता हूँ इसमें बार, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बी, 15 विश, थैंक यू। चलिए अब आगे आओ भाई, बहुत मेहनत की कृष्णा, सच्ची में लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरी आईज में ना पेन हो रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, देखो ये लगाना पड़ रहा है मुझे अपनी आंखों पे, ठंडा कर करके तब जाके थोड़ा सा, इतना स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 14th का अगर आप लोगों को आंसर ही पूछना है तो टू हैव आएगा भी इसका आंसर, जो डोलोरेस कमीशन था ना इसका आंसर आएगा टू हैव, बट इसके बारे में डिटेल में क्या है वो हम बाद में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं इसको, ठीक
मैंने तो नहीं पढ़ा इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा, और मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया अभी तक। अरे क्लियर नहीं दिख रहा ममता, प्लीज थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिख जाएगा पक्का, और अब क्लियर हो जाएगा। हाँ अब सुनिए, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एनसीएफ 2005 था अभी, वो किसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था, उसका सजेशन किसका था, टू यूज ऑफ चाइल्ड मदर टंग एज मीडियम ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। हाँ भी बिल्कुल ठीक बात है, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गारंटेड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बात एनसीएफ ने नहीं कही थी, ये बात या तो 86th अमेंडमेंट ने कही थी, या फिर ये कहें कि भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा जा सकता है, या फिर ये कहें कि भी 40 जो आर्टिकल 45 था ना उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड बातें कही थी, या फिर ये कहें तो 21A वाली आर्टिकल में कही है, इन सब में अगर कोई बात होती तो हम ये कह सकते थे सर इडली डोसा खाने आ जाओ। भैया ठीक है आ रहे हैं भाई थोड़ी देर में, सुनिए तो इनमें से कोई चीज होती तो हम उसका आंसर लगा सकते थे, लेकिन यहां पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा द टू यूज द चाइल्ड्स मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल, ये इसका आंसर होगा। देखो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, 86th अमेंडमेंट वगैरह 2002 इन सब में हुई थी, लेकिन 2005 वाला इसका आंसर नहीं है, 16 था भाई। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 2018 में डीएसएसबी पीआरटी जो हमारा हुआ था, मेरा 14th अक्टूबर का था, ठीक है। हैप्पी बर्थडे चुटकू। नैनो एसडीएल एड केवीएस में वैलिड है, आई थिंक वैलिड है, बाकी मैं अभी तक कुछ इस बारे में वो कंफर्म नहीं हो तो बता दो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल रिकमेंडेड बाय द नेशनल एनसीएफ, एनसीएफ का कौन सा नहीं है, ये चीज याद रखना भाई, एक बात याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना, नोट वाला जो चीज होती है ना इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जरा सी हमारी गड़बड़ होती है और हम फिर बहक जाते हैं आंसर के साथ, और ठीक ठाक होने वाला आंसर हमारा गलत हो जाता है, बहुत दुख होता है फिर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल बताना है, एनसीएफ का कौन सा इनमें से गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये तो अभी 2 मिनट पहले तो इसका वो क्या था हमने ऑप्शन है ना, ये तो है बिल्कुल उसका, और इसके अलावा क्या था, एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम, बिल्कुल रोट मेथड से तो दूर हटाने की बात कर रहे थे वो, एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बात कह ही रहे थे, मेकिंग एग्जामिनेशन लेस फ्लेक्सिबल आ रहा है, ये तो सीधा सा आंसर दिख रहा है डी, कि भी एग्जाम को फ्लेक्सिबल मत बढ़ाओ, लेकिन इसमें क्या कहा गया, एग्जाम कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए, कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे के चेक ना करें, अलग अलग तरीके से अपने अपने सिचुएशन बेस्ड तरीके से हम बच्चों को चेक कर सकते हैं उनकी उसको, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 30th अक्टूबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पीआरटी में आया था, 17th क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट स्कूल्स, इनमें से कौन सा, अरे नेहा क्या हुआ है ना, कौन सा कौन सी फैसिलिटी फिजिकल फैसिलिटी ऐसी है जो स्कूल में स्टेट स्कूल्स में प्रोवाइड नहीं कराई जाती, सीटिंग अरेंजमेंट्स करवाया जाता है भी, सीटिंग अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग हाइजीनिक रूम्स वगैरह ये सब चीजें तो कराई जाती है, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं करवाए जाते, साफ स्पष्ट है, तो बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है। 18 था, विच नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी वाज, भाई हम डेली एनआईएसटी क्लास लेते हैं, हफ वीक में 7 दिन है ना, 7 में से 5 दिन तो लेते ही लेते हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन किया करो उसको, 3-4 क्लास हमारी होती है, प्लीज ज्वाइन किया करो उनको, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट चेक करना, इस वीडियो के पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाद में वीडियो खत्म होने के बाद मिल जाएगी, और जो नए साथी हमारे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब आ गया ये, विच नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी वाज इंटेंडेड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के लिए कौन सी ऐसी वो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने हमें कहा था कि भी हम 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, 1986, बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये बात किसने कही थी, ये हमारे प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना बाद में, तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करते हुए भी ये बात कही थी कि हम अपने देश को 21वीं सदी का भारत, मतलब एक तरह से पूरी दुनिया को फेस कर सके उसके लिए तैयार हो सके, इसके लिए हम एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कौन सी थी वो, 1986, ठीक है जी, और इसी को और ज्यादा अच्छे से वो करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए 1992 में यशपाल कमेटी बनाएगी जिसका बेस था लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, राज एंड ताज ब्रदर्स, अरे राजवीर भैया मेरा एक स्टूडेंट है राजवीर, बहुत टैलेंटेड लड़का है, आप राज एंड तेज ब्रदर्स है ना ये लड़का, तो
फिफ्थ क्लास का बच्चा है, बहुत गजब। चलिए आगे आओ भैया, इन आसामी तो बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, अभी इसका तो मैं क्या ही आंसर करूं। वैसे इसका आंसर आई थिंक 1926 है, 1926 में फर्स्ट कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था आसाम में 1926 में, ठीक है ना भैया। केवीएसपीआरटी कब आएगी? होपफुली विभा बहुत जल्दी आएगी, बस आप प्रिपरेशन करते रहो अपनी, प्लीज प्रिपरेशन मत छोड़ो, है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको जहां तक मुझे आइडिया 3-4 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, और उसमें आप लोग बिल्कुल उब जाओगे अगर एकदम तैयारी करने लगे हुए तो। स्टार्टिंग से कंटिन्यू रखो, बहुत बढ़िया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया? आइडिया की फुल फॉर्म क्या है इसको बताओ भी जल्दी। इंडियन डेवलपमेंटल एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जल्दी बता दो। जल्दी बताइए इसका। आइडिया की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका होता है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, इसको याद रखना, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है इसके साथ, ये बताओ ये इस एक्ट में, ये मतलब इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेना आप इंटरनेट पर, जो भी आपका सोर्स हो वहां से एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो काफी सारी नई चीजें इसमें ऐड होंगी आप लोगों के पास, ठीक है। भावना मैम गुड इवनिंग, अरे भावना मैम का इंटरव्यू आएगा आपके पास। चलिए आगे आओ भी जल्दी से। यूनिवर्सल एक्सेस टू एनरोलमेंट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल एक ही तो ऑप्शन है इसमें, एनसीईआरटी तो है ही, हो ही नहीं सकता है। एनपी ईगल ये 2003 ये भी नहीं है, एनआरईपी ये भी नहीं है, एनपी 1986, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस इसके साथ साथ एक वो भी तो था ना, क्या कहते हैं, हम वो स्कूल बनाएंगे, कॉमन स्कूल सिस्टम आएगा, जिसकी वजह से। और कॉमन स्कूल सिस्टम किसकी वो थी, देन थी, किसने सजेस्ट किया था ये बता देना मुझे, आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। देखो मैं सर से पूछ लूंगा भाई, क्योंकि ये है ना कुछ ऐसा हो जाता है, मैं पढ़ा तो सकता हूँ लेकिन अगर मैं ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ना तो फिर कुछ ऑफेंड हो जाते हैं फिर, तो इसलिए समझ रहे, होप यू अंडरस्टैंड। तो एक ये था कॉमन स्कूल सिस्टम की भी, हम जिसमें कोई भी बच्चा जाके पढ़ाई कर सके, है ना, जिसके लिए फ्री में सब कुछ हो। 21st, फिर से बता दीजिए, 21st। यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपी 1986, ठीक है, एनपी 1986 ये आएगा 21st का, एनपी 1986। यूनिवर्सल एक्सेस इसी ने तो ये बात कही थी कि भी कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, और जब हमारा ड्रॉप आउट और स्टेग्नेशन कम हो जाएगा तभी तो हम अपने आप को, क्या कहते हैं, अपने देश को 21st सेंचुरी के लिए रेडी कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें आई थी, यूनिवर्सल एक्सेस की 1986 में। यहां बेस्ट ऑप्शन यही है, ये चीज याद रखना। द कंसेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट इन सोशल स्टडीज करिकुलम इज गिवन बाई, कोर एलिमेंट की बात नाइन, जल्दी बता दो। अब देखो मैं आप लोगों के लिए ना एक चीज दिखाता हूं, मैं आप लोगों को क्या है कि मेरे पास, एक सेकंड रुको, दे बता देता हूँ आप लोगों को, रीड आउट करवाना तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान हो जाएगा। वो चीज मैंने बताया था जो कोर एलिमेंट थे ना, जिस 1986 वाली पॉलिसी में एक बात कही गई थी, मैं रीड आउट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। नहीं एनसीएफ नहीं आएगा इसका, एनपीई 1986 है इसका, ध्यान से सुनो। एनसीआरटी भी नहीं है भाई, नहीं है एनसीआरटी, नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ कोर एलिमेंट इन सोशल स्टडीज करिकुलम इज गिवन बाई एनपी 1986, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैंने बार बार आप लोगों को ये बताया था, ध्यान से सुनना। अगर गलत है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए और ये चीज आपको याद हो जाएगी फिर, सुनो। क्या था, द कॉमन कोर इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंड अदर कंटेंट। इन्होंने क्या कहा था 1986 में कि भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा ना, या जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक मतलब कोर एलिमेंट्स देगी, समझे, उसके आसपास का जो कंटेंट होगा ना उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो कोर एलिमेंट्स होंगे ना उसमें बदलाव नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा इसने क्या कहा था कि भी जो हमारी सोशल स्टडीज है ना, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इसने शायद इसी ने कहा था ना कि हिस्ट्री के जो हमारे फ्रीडम वो मूवमेंट्स थी उनके बारे में पढ़ाएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देना ठीक रहेगा, और इसी के बेस पे फिर 1992 वाले ने ये बात रिपीट करी थी।
कि भी फ्रीडम और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे जो डेवलपमेंट हुई है वो बातें हमारे इंक्लूड होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के बारे में और सोशल स्टडीज के बारे में कोर एलिमेंट्स की जो थ्योरी दी थी वो NP 1986 ने दी थी, ये चीज याद रखो बिल्कुल। ठीक है जी सर, PDF मिल जाएगी केस की भाई, कोशिश करूंगा। ठीक है, छोटी वाली पेडागोजी प्रैक्टिस की केस तो उसी को बार बार प्रैक्टिस कर ले। सुमंत देखो ठीक है, मेरे पास भी पहले वही थी, है ना, देखते हैं बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब आगे आ जाओ, व्हाट डिड यूनिसेफ एंड एनसीईआरटी इंक्लूडिंग सेक्स एजुकेशन, ये चीज याद रखना। इसमें यूनिसेफ एनसीईआरटी, इसके अलावा ये कुछ और भी ऐड कर देना, मान लो वो कर दे यूनिसेफ एनसीईआरटी या इंडियन गवर्नमेंट या एनपी करके या एनसीएफ करके कुछ भी ऐड कर दे, वो सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या बात करता है। उन्होंने मेनली केवल एक मेन बात कही थी, जो मेन बात थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है सर, ये कमेंट्स हाइड करो स्क्रीन पर से। अच्छा ये लो भाई, अब ठीक है, फिर मुझे कैसे दिखेगा वो सोच रहा, मुझे नहीं दिखेगा यार फिर, और मैं वो भी नहीं कर सकता। चलिए जल्दी आ जाओ, इसके बारे में मेन बात जो कही थी ना वो यही कही थी कि इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मेन चीज थी। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ, ये राजस्थान के बारे में आ गया, व्हाट इज द मेन एम ऑफ शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान फिलिंग द वैक्यूम। ये देखो मैंने पहली बार इस जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था ना तभी पढ़ा था, तो इसका आंसर आप लोग खुद भी बता दीजिए एक बार, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट इन राजस्थान फिलिंग द वैक्यूम, इसका आंसर इन्होंने क्या बताया कि टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ टीचर एब्सेंटिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये एक बार शिक्षा कर्मी और फिलिंग, शिक्षा कर्मी के बारे में पढ़ लेना, उसी में फिर ये फिलिंग द वैक्यूम वाला इनिशिएटिव था, एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लेना भाई, बहुत मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक जब टीचर से रिलेटेड है ना तो हम क्यों पीछे रहे, एक बार पढ़ा हुआ हो हमारे दिमाग के आगे से निकल जाए तो इनमें से एक दो क्वेश्चन ही बढ़ते हैं तो वो हमारे सामने फिर आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है, 24, 25th में आ जाओ जल्दी से, एनसीआरटी इज मेंट फॉर, जल्दी से बता दीजिए एनसीआरटी इज मेंट फॉर, 25th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, एनसीआरटी एनीबडी कैन टेल विच पब्लिकेशन बुक इज दिस, सर्वा पब्लिकेशन, शारदा, शारदा इज सर्वा पब्लिकेशन, एनसीआरटी इज मेंट फॉर रिसर्च इन इकोनॉमिक फील्ड ना, इकोलॉजी नहीं, रिसर्च इन एनवायरमेंट नहीं, रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, और एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी अब बता दीजिए, एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी ये बताओ जल्दी, सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक टेस्ट बेस्ट है, जल्दी बताइए एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ पहले भी और अब आप लोग 1961 में, बहुत बढ़िया जल्दी है, वेरी गुड, 1961 में एनसीआरटी की स्थापना हुई थी। अब आ गया जो 26th, द कंसेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज फर्स्ट स्टेटेड बाय विच कमीशन, जल्दी बताओ, 1961 में स्थापना हुई थी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव की अवधारणा जो थी वो सबसे पहले किस आयोग ने दी थी, मुदालियर कमीशन 1953, नहीं भाई 1953 वाला मुदालियर आयोग तो एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए कौन सा आयोग के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ, जो मुदालियर कमीशन है वो किसी और नाम से भी जाना जाता है वो बता दीजिए, राधाकृष्णन आयोग कमीशन जो था 1948, इसने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ स्थापना करी थी वो भी कमेंट सेक्शन में ध्यान कर लीजिए, ईश्वर भाई पटेल कमीशन छोड़ दो इसको, कोठारी कमीशन 1964-66, तनीषा मुदालियर कमीशन को क्या कहेंगे भाई, सेकेंडरी कमीशन, वेरी गुड, अरे राधा स्वामी कमीशन नहीं, राधा राधा कृष्णन कमीशन, अरे राम, राधा कृष्णन कमीशन था ना, इसने यूजीसी, वेरी गुड, ठीक है ना, यूजीसी की स्थापना करी थी, मुदालियर कमीशन जो था 1953 इसको सेकेंडरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी ने पहली बार ये बात कही थी कि जो प्राइमरी टीचर या जो स्कूल सर्टिफिकेट पास करके जो बच्चे आएंगे और वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक 2 साल का कोर्स होना चाहिए, और ऐसे ही जो ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर बनने के लिए आएंगे उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और जिसको बाद में बढ़ा के 2 साल तक करा जा सके। और यहीं से फिर जेबिट जो ये डाइट वगैरह की स्थापना होनी थी ना बाद में, उसका एक क्या कहते हैं उसको, एक बीज बो दिया गया था। और डाइट की स्थापना पहली बार कब हुई थी जल्दी बता दो, किस कमीशन में ना डाइट की स्थापना हुई थी? डाइट की स्थापना जो हाँ डाइट की स्थापना कब हुई थी जल्दी बता दीजिए। नहीं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, साथ में बता देता हूँ आप लोगों के प्रीवियस कमीशन 1986 में, ठीक है ना। और कोठारी कमीशन ऐसा कमीशन था जिसने वर्क एक्सपीरियंस को महत्व दिया था। इसके लिए वो पर्टिकुलर लाइन क्या थी वो मैं शायद फिलहाल भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे ध्यान भी कराई थी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्कूल मस्ट टेक फ्रीक्वेंट हेल्प फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर द एकेडमिक प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। सर मेरा स्टेट नहीं निकला है तो क्या केवीएस इसका, अरे एस टेट नहीं सी टेट होना चाहिए। अच्छा मेरा सी टेट नहीं, भाई सी टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखो है ना कितने क्वेश्चन कराओगे सर जी, अभी करवा लेते हैं बता दो, देख लेंगे जब बोर हो जाए तब बता देना, मेरे ख्याल से 30 तो करवा ही दे कम से कम, है ना। जल्दी आ जाओ। पेरेंट, मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन करा था ना तो मेरे मन में सीधा सोसाइटी आया था एकदम, कि सोसाइटी देखो क्या है कि स्कूल किसकी हेल्प लेगा, बच्चे तो डायरेक्ट ही है ना, बच्चे तो डायरेक्ट ही हैं, बच्चे तो स्कूल ही में है ना, उनकी थोड़ी हेल्प लेंगे, उनसे बाहर जाके थोड़ा सा निकलो है ना, बच्चों से बाहर कमर्शियल ग्रुप की तो हेल्प लेंगे नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी भी चांस पे ली जा सकती है सिचुएशन में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्कूल फ्रीक्वेंट हेल्प किसकी लेगा, बच्चों से रिलेटेड कौन है, पेरेंट्स, कौन है भाई, पेरेंट्स हैं। सोसाइटी की हेल्प तो लेगा स्कूल मैनेज करने में, स्कूल के और सब चीजों में है ना, लेकिन पेरेंट्स ऐसी चीज है जो बच्चों की जो प्रोग्रेस है ना, एकेडमिक प्रोसेस प्रोग्रेस, उसको और ज्यादा चेक करने में, उसको और ज्यादा हेल्प करने में कौन सी हमारी सीधा सीधा हेल्प करेगा, पेरेंट्स करेंगे। समझा नहीं समझे? ठीक है जी अब आगे चलिए। मैंने भी पहली बार जब एकदम भाग्य ना मेरे से सोसाइटी हो गया था इसका आंसर, लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सोसाइटी नहीं पेरेंट्स होना चाहिए। संभवी ये NIOS से हम एजुकेशन कमीशन है ना, वो हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, NCF तक RTE तक हम आ चुके थे, तो आप लोग वो 3 क्लास 4 क्लास पहले देख चुके हो, देख सकते हो, ठीक है। सोसाइटी नहीं होगा कंचन, सोसाइटी नहीं होगा भाई। चलिए वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बाकी मैं आप लोग मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है कहीं पर, हमने मतलब जो क्लास हुई है उसमें नहीं पढ़ा अभी तक, तो फिर भी वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन थे ना वो फॉर ऑल, ये चीज याद रखना, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ये कहां हुआ था, ए आजा जल्दी, जोमेटियन, जोमटियन क्या लिख रखा है भाई ये हद है, मतलब जोमटियन। और ये क्वेश्चन फिर बाद में ऐसे भी आएगा कि जो जोमटियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना उसका मेन किसके लिए हुई थी, वो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल, ये क्वेश्चन बाद में आया हुआ है तो इसको अभी के लिए इग्नोर मारो क्योंकि हम बाद में करेंगे, और अभी के लिए इसका आंसर हमें एक चीज फैक्ट के रूप में इसको ध्यान रख लेना बस। व्हाट डज IEP स्टैंड फॉर, IEP स्टैंड फॉर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के एग्जाम में, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये बताओ मुझे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, प्लान है या प्रोग्राम है ये बताओ। डी नहीं, एंगेज प्लान, फरा खान जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ते हैं भाई, प्लीज शेयर कर देना इसको आपके जो कॉलेज वॉलेज के ग्रुप है ना जो तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्त वोस्त उनके साथ, प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई, आप शक्तियां कहाँ गई आपकी काली शक्तियां सबकी, देखा फिर हम मस्त प्रोग्राम प्लान प्लान, यार मुझे कंफ्यूज मत करो भी, देखो ऐसे ये चीटिंग नहीं करने मेरे साथ, प्लान ठीक है जी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान ठीक है, प्रोग्राम होना तो प्रोग्राम चाहिए,
क्योंकि मैंने इसमें एक और जगह देखा, वहां प्लेन ही था, लेकिन मैंने एक जगह सर्च किया था एक बुक में जो मेरे पास, जहां से मैं करता हूँ वहां प्रोग्राम लिखा था, तो मैं गड़बड़ा गया। मैं क्या बताऊँ यार, दावा पेश नहीं कर सकता इसके ऊपर कि इसका प्रोग्राम होगा या प्लान होगा। तो बाकी आप लोग एक बार इसको सर्च जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहता भाई। भरोसा और प्यार हर किसी पर नहीं होता, माँ कसम कतई जहर। पूजा शर्मा, भरोसा और प्यार भाई साहब। वट इज द इम्पोर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एनपी 1986 थी भाई, उसका मेन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन गोल क्या था, शैक्षणिक उद्देश्य क्या था भाई उसका? यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, या फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देखो यूनिवर्सल जहाँ एजुकेशन है तो वहाँ रिटेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना? और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन वो तो फिर एक अलग ही सिस्टम हो गया, प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लग रहा। अरे अच्छा लग रहा है, इससे ऐसे नहीं होगा प्रियंका कुछ भी। चलिए स्वाति मातुर प्रोग्राम होगा, चलिए देख लेना भाई वो एक बार आप लोग, ठीक है? यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट 1986, ठीक है जी, एनपी 1986, ठीक है। अब 1986 में इसके साथ साथ और क्या था, एनवीएस की स्थापना हुई थी, और उसके अलावा क्या हुआ था, इन्होंने एक और चीज कही थी ना, क्या कहते हैं, अरे वो बड़ा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी में आया था, जिसमें हमने ये बात कही थी कि भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं गांवों में या जो स्टेट में, उनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? ठीक है जी, अब मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, यहां तक सबको समझ आया हाँ या ना? कैसे लगे हमारे क्वेश्चन आज वाले? 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, बट मैं चाहता तो और ज्यादा था, पर 1 घंटा फिर हो गया भी हमारा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है। अब जल्दी से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था 1986 वाली, और इसके साथ साथ एक और आया था, क्या आया था भाई वो वाला, क्या कहते हैं उसको, एनवीएस। समझ आ गया सर, ऑसम क्वेश्चन सर, ये बता दो कीर्ति पूनम, ठीक है। एक बार प्लीज भाई सभी बच्चे सेशन को प्लीज लाइक कर दो, और बढ़िया लगा हो तो बस बढ़िया ही है, फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना? एलेक्सा Having trouble connecting to the internet. Take a look at the help मैं section लाइव in your नहीं ले पाई। Alexa अरे कोई app. नहीं साधना, बहुत मेहनत कर दो भाई, सच्ची में बहुत बढ़िया होगा और मजा ही आ जाएगा भाई। एक बार ये बता दीजिए, डाइट की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बता दो, स्वाति पूछ रही है बार बार, और ये क्वेश्चन आया भी है फिर आगे, डाइट की स्थापना कब हुई थी? एलेक्सा, अरे एलेक्सा नहीं बोलेगी भाई, ये लो दे, लाल होगी ना, I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help हॉटस्पॉट ऑन section नहीं in कर your रखा ना अभी, एक Alexa कनेक्ट नहीं app. कर रखी मैंने, नहीं तो बीच बीच में अपने आप बोलती रहती मेरे से। ये भी थोड़ी सी 1994 में, वैभव 1986 में, 1994 में, एलेक्सा यहाँ भी, अरे रुक जा I'm भाई, having trouble ले connecting to अब the जितनी बार internet. एलेक्सा कहूँगा ना हर Take a बार look at the बोलेगी ये help section in your Alexa app. नाइन। सर इडली खाएंगे अब, अरे भाई साहब, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आप लोगों को, बहुत मेहनत कर दो, और बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, और धन्यवाद। कल से फिर हमारी एनआईएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डेली 8:30 बजे हमारी एनआईएस की क्लास होती है भाई, प्लीज आया करो आप लोग, बहुत बढ़िया लगा। देशद्रोही जी, मोटिवेशन मिलता है सर, अरे बस मजा ही आ जाता है सर। आपकी फ्रेंड को जलसी हो रही है, अरे इसको चुप करा दिया मैंने, अब नहीं होगी इसको जलसी। चलिए हम भी खिलाएं इडली, हमें भी, ट्राई नॉट टू बिकम ए पर्सन ऑफ बॉय साहब। चलिए अभी बाय बाय सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, मजे करो, रोज करो, नाम मिले तो खोज लो, ऐसा ऐसा, ठीक है भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।